नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नवादा जिले की चिर प्रतीक्षित मांगों में से एक, नवादा शहर में जो दो रेलवे क्रॉसिंग, दो नहीं तीन रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर आरओबी का निर्माण, रोड ओवर ब्रिज का निर्माण को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन वगैरह सब होता रहा है। पिछले कुछ महीने पहले इस पुल निर्माण की स्वीकृति की बात कहीं से आई थी, जिसके बाद उसका निर्माण का स्वीकृति का श्रेय लेने के लिए होड़ मच गया था। भाजपा के लोग ज्यादा थे इसमें, फिर लोजपा के लोग थे और राजद के लोग थे। जिस प्रकार श्रेय लेने का होर मचा था, उस हिसाब से अब तक पुल निर्माण का 50-70% तक काम पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन स्थिति यह है आज के डेट में कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे सांसद महोदय को आरओबी निर्माण के लिए सवाल उठाना पड़ रहा है। बता, आपको जानकारी होगी कि 14 मई 2022 को, मतलब इसी साल 14 मई को, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो कि अपने बेहतर काम के लिए काफी जाने जाते हैं, काफी चर्चित हैं, पॉपुलर हैं इस देश के अंदर, उन्होंने आरा भोजपुर बिहार के अंदर ही एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी कि नवादा में मालगोदाम मिर्जापुर के पास पुल निर्माण की, आरओबी निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, जल्द ही काम शुरू होगा। 71 करोड़ रुपए से उस पुल का निर्माण होना था। जैसे ही केंद्रीय मंत्री का यह ऐलान हुआ कि नवादा जिले के भाजपा, राजद और लोजपा, चूंकि लोजपा के सांसद हैं, उनके समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पे पुल निर्माण की स्वीकृति का यश लेने के लिए होर मच गई। कई एक प्रकार के लेटर वगैरह डाले गए उस पे कि इनकी अनुशंसा से हुआ है, उनकी अनुशंसा से हुआ है, उनकी अनुशंसा, खैर उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। इस सिलसिले में नवादा लाइव का जो अपना वेबसाइट है, उस पर 2 जुलाई को हमने खबर भी लिखा था और खबर का शीर्षक बड़ा दिलचस्प हमने दिया था, हवा में झूल रहा नवादा का रोड ओवर ब्रिज, श्रेय लेने की मची है। और बहुत पॉपुलर खबर हुआ था उस वक्त में, बाद में बहुत सारे अखबार में भी, जो दैनिक अखबार है उस अखबार में भी एक खबर आई थी। लेकिन स्थिति यह है आज के डेट में कि पुल निर्माण का मामला कहां अटका हुआ है, किसी को बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। और हमारे सांसद जो हैं चंदन सिंह, 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर पुल निर्माण को लेकर, इस पुल निर्माण को लेकर सवाल भी खड़ा उठा था। आपको एक और जानकारी दे दें कि नवादा में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग के पास स्वीकृत होना और लटकना कोई नई बात नहीं है, जिसमें लालू प्रसाद भारत सरकार में मंत्री थे और रेल मंत्री थे, उस दौर में भी 2005 का वक्त वो था, हिसुआ इंटर स्कूल के मैदान में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, इरकॉन कंपनी के द्वारा उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस समय भी 2-3 पुल का सेंक्शन हुआ था, काम अब जस्ट शुरू होने वाला है, आज तक उस पुल का आता पता नहीं। तो फिर आपको बता दें कि जो नवादा माल गोदाम के पास जो पुल बनना है वो परिस्थिति जन्य बनना है, क्योंकि वो जो रोड है वो रोड नवादा स्टेशन प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण की जद में आ रहा है, इस कारण वहां ओवरब्रिज बनना ही बनना है। लेकिन कब बनेगा इसका कोई स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है। एसपीडीसीएल के को दिया गया था यह काम निर्माण के लिए, उसी को बनाना है,
BSRDCL बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन को यह सड़क बनाना था। अभी एस्टिमेट ही रिवाइज हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मंत्री की घोषणा हुए 7-8 महीने बीत गए हैं लेकिन पुल का अता पता नहीं है, सांसद को पार्लियामेंट में सवाल उठाना पड़ रहा है। तो देखिए, हम इस खबर को सिर्फ इसलिए आप लोगों के सामने लाए हैं कि बहुत आप लोग जिज्ञासा आप लोगों की रहती है कि पुल का क्या हो रहा है, तो समझिए और हम क्या सांसद महोदय ने ही पार्लियामेंट के अंदर उठाया है। तो चलिए इस खबर को यहीं पर विराम देते हैं। खबर सूचना देने का आशय बस इतना था कि अभी आप नवादा वासियों को उस पुल के निर्माण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो लेकिन चलिए, कम से कम सांसद महोदय को धन्यवाद इस बात का देना चाहते हैं कि वो इस संजीदा हैं इस प्रसंग को लेकर कि पुल निर्माण नवादा में हो। उन्होंने पार्लियामेंट में फिर पार्लियामेंट के माध्यम से रेल मंत्री को और रेल मंत्रालय को आगाह किया है, इस बारे में ध्यानाकर्षण कराया है। तो अंत में चलते चलते हम आपको सांसद महोदय का पार्लियामेंट के अंदर जो सवाल उठाया गया है या ध्यानाकर्षण जो किया गया है उसको भी सुनवाते हैं और एक अपील भी करते हुए चलते हैं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। हम इसी प्रकार और बहुत सारा खबर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल चलते हैं लोकसभा के अंदर, सांसद महोदय को सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। ठीक है जी, अब मुझे सुनने काल में मौका देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि नवादा जिले से नवादा जमुई पथ पर रेलवे खुमसी नंबर 3 बस स्टैंड से पहले SH-8 जो नवादा जमुई पथ है के लेवल क्रॉसिंग नंबर 33 पर आरोपी खानेमान का बिहार सरकार के BSRDCL द्वारा कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उक्त आरोपी खानेमान हेतु कई बार GPR बनाया गया है परंतु अब तक आरोपी खानेमान नहीं हो सका है। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद BSRDCL के अधिकारियों से मिला तो मुझे बताया गया कि आरोपी खानेमान हेतु रेल मंत्रालय के पास भेजा गया है एवं रेल पदाधिकारियों से जब मिला तो उनके द्वारा बताया गया कि विभाग के द्वारा जाइंग आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह तीसरी बार जाइंग बनाया गया है परंतु पूर्व का निर्माण नहीं हो सका है। केवल अधिकारियों द्वारा बार बार उसको तोड़ मतोड़ किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें ताकि रेलवे गुमती नंबर 3 बस स्टैंड से पहले SH-8 नवादा जमी पथ जो है लेवल क्रॉसिंग नंबर 33 पर आरोपी का निर्माण जल्द से जल्द हो सकें एवं मेरे संसदीय क्षेत्र नवादा के लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद महोदय।